24 मार्च को थाना इंदिरापुरम के ज्ञानखंड क्षेत्र में एक महिला द्वारा रील बनाने के चक्कर में एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ लूट की घटना कारित की गई थी। इस घटना को खोलने के लिए इंदिरापुरम पुलिस द्वारा कुल 4 टीमों का गठन किया गया था। आज रात्रि में थाना इंदिरापुरम को मुखबिर खास की सूचना पर विवेक उर्फ काके, जो कि दिल्ली के जगतपुरी का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के उपरांत उसके पास उसने उस रील बनाने वाली महिला के साथ लूट की घटना कारित करना स्वीकारा और इसके पास से लूटा गया मंगलसूत्र बरामद हुआ। उसके साथ साथ ही उस महिला का जो चेन इसके द्वारा लूटा गया था उसको इसने दिल्ली में ही एक सुनार को बेचा था। उसके माध्यम से हमें कुछ पैसे उसके प्राप्त हुए, जो कि उस चेन बेचने पर प्राप्त हुए थे। इस विवेक द्वारा बताया गया कि इसने अपने साथ एक तमंचा भी रखा हुआ था, जिसको पुलिस के भय से उसने 3/4 की पुलिया पर फेंक दिया था। रात्रि लगभग 4 से 4:30 के बीच में इंदिरापुरम पुलिस द्वारा उस तमंचे की खोज में इसको 3/4 की पुलिया पर ले आया गया, जहां पर तमंचा उठाते समय, चूंकि तमंचा लोड था, इस व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिलती रहे। वीडियो संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।